अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और समर वेकेशन जो है वो हो चुकी हैं, बच्चों को छुट्टियां हो चुकी हैं और घर में बच्चे जो है वो हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ मंचिंग का उनका दिल करता है, कुछ ना कुछ खाने का दिल करता है। तो ऐसे में ऐसे कौन कौन से काम है जो आप करके रखें ताकि आपको फौरी तौर पर जैसे ही बच्चे कुछ मांगे तो आपको जो है वो ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और झट से जो है वो आप बच्चों के आगे मज़े मज़े की चीज़ें जो है वो तैयार कर लें। तो आज की वीडियो में जो मैं शैमी बना रही हूँ, शैमी चिकन शामी बनाने वाली हूँ और बड़ा ही मज़ेदार पास्ता। वेजिटेबल्स ना हो तो कौन सा ऐसा पास्ता है जो आप बना सकते हैं? तो बस फिर आज की ये वीडियो जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहले मैंने चने की दाल, प्याज, चिकन, अबाउट हाफ के जी चने की दाल थी और उसके बीच में मैंने हाफ 1 kg चिकन, 1 onion, जिंजर गार्लिक और सॉल्ट, रेड चिली और डाल के पानी डाल के 3 glass जो मैंने उसको प्रेशर जो है वो चढ़ा दिया ताकि मेरी शामी उतनी देर तैयार होती नहीं जितनी देर में मेरा पास्ता बॉईल हो चुका था। पास्ता जो है वो मैंने ड्रेन कर लिया था, उसका पानी जो है वो मैंने थोड़ा सा जो है वो एक प्याली जो है ना पानी का मैंने पास्ता जिसमें जिस पानी में हमने बॉयल किया था वो पानी मैंने सेव कर लिया है, जैसे कि आप प्याली में देख भी सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ, यहाँ पे मैंने लहसुन पहले का डाल लिया हुआ था और फिर बाकी का सामान अभी रेडी करना था तो बस फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया हुआ था तो मैंने कहा बाकी चीज़ें डाल के देन मैं इसको जो है ना वो चूल्हा ऑन करती हूँ, क्योंकि साथ साथ काम भी हो रहा था, साथ साथ दो दो तीन तीन चीज़ें जो है ना वो लाइन अप थी। तो बस फिर थोड़ा सा गार्लिक डाला और उसके बीच में अनियन थोड़ा सा सॉटी करने के बाद मैंने ये 2 से 3 टमाटर लेके उसको पेस्ट बना लिया था सिंपल पानी डाल के। अब इसमें मैंने सॉल्ट डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है और ओरिगैनो है, तो ये बिल्कुल लज़ानिया टाइप खुशबू इसके बीच में आएगी और इतना मज़ेदार ये पास्ता तैयार हुआ था। वेजिटेबल्स नहीं थी घर में तो मैंने कहा मैं वेजिटेबल्स लेने कहाँ जाऊँ और किसका वेट करूँ कि मुझे वेजिटेबल्स ला दे, तो मैंने कहा चले आज जो है ना वो रेड सॉस पास्ता जो है ना वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास सोया सॉस है जो और चिली सॉस है जो कि मैंने इसके बीच में डाला और टोमेटो केचप इसके बीच में मैंने ऐड की है, इसके बीच में मैंने बारबेक्यू सॉस भी ऐड की है और मेन इंग्रेडिएंट इसके बीच में जो मैंने ऐड किया है वो शान का टिक्का मसाला ऐड किया है। कोई भी टिक्का मसाला यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास शान का था और यहाँ पे मेरे पास ऑयस्टर सॉस है वो मैंने इसके बीच में ऐड की है, बारबेक्यू सॉस इसके बीच में मैंने ऐड की है और ये बहुत ही मज़ेदार जो है ना वो ग्रेवी सी इसके मैंने तैयार कर लिया। ट्रस्ट मी आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा, यू विल डेफिनेटली लाइक डिट। ओके जी, यहाँ पे मेरी सॉस ऑलमोस्ट जो है ना वो डन हो चुकी है और अब मैंने इसका जो चिकन था ना उसको मैंने टिक्का मसाला जो है ना वो लगा के रख लिया हुआ था, सिंपल टिक्का मसाला, नमक मिर्च और गर्म मसाला, सूखा धनिया डाल के ना, तो ये चिकन को जो है ना वो मैंने मैरिनेट कर लिया हुआ था। तो थोड़ा सा ऑयल डाल के हमने इसको जो है ना वो अच्छी तरह कुक कर लेना है, अच्छी तरह हमने इसको पका लेना, मतलब थोड़ा थोड़ा सा ना चाहिए पैन के साथ भी इसका जो है ना वो चिकन लग जाना चाहिए, कोई इतने मसले वाली बात नहीं है, देखें ऐसे अच्छी तरह ये लग जाए तो बस, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब बस थोड़ा सा पानी हम उसके बीच में डाल के ना पैन के अंदर तो वो भी हम इसके बीच में ऐड कर देंगे। और अब जो पास्ता था हमने इसके बीच में बॉयल किया हुआ वो ऐड कर दिया है, बहुत सिंपल रेसिपी है और जो पानी हमने सेपरेट किया हुआ था हमने बॉईल किया था मैक्रोनी वगैरह जिसमें, वो पानी जो है वो हम बीच में डाल देंगे और ये हमारा बड़ा मज़ेदार सा पास्ता जो है वो रेडी हो गया। अब इसके बीच में एक लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे विच इज़ वेट वेट अभी आपको दिखा देते हैं, ये जी मायनीज इसके बीच में जाएगी थोड़ी सी। तो बस ये बहुत ही मज़ेदार यम्मी सा पास्ता जो है वो समर स्पेशल पास्ता आप इसको कह लें, किड स्पेशल पास्ता आप इसको कह रहे हैं, इवन एवरीवन लाइक इट, आप सबको जो है ना वो बहुत पसंद आने वाला है, क्या बड़े तो क्या छोटे। चलें जी इसको डिश आउट करके सबको जो है वो पेश कर देते हैं। तो समर वेकेशन से बच्चों का दिल करता है कि बस कुछ ना कुछ मंचिंग के लिए जो है ना वो हर थोड़ी देर बाद हमें मिले, क्योंकि बच्चे खेलते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी करने लग जाते हैं, सारा दिन तो एक तरह का बच्चे घर में ही होते हैं ना, तो बस फिर ये बनाइएगा और बच्चों को इन्जॉय करवाइएगा। बस जितनी देर में हमने पास्ता खाया, मेरी चिकन चने की दाल जो थी वो मुकम्मल बॉयल हो चुकी थी, पक चुकी थी। अब इसको मैंने जो है ना वो चॉपर में डाल दिया, उतनी देर मैंने चिकन जो है वो बोनलेस सेपरेट कर लिया, उसको मैंने श्रेड कर लिया। अच्छा यहाँ पे मैं आज डिफरेंट तरीके की शामी बनाने वाली, मैं चिकन को बीच में डाल के जो है ना वो मशीन में डाल के नहीं उसको चॉप करूँगी, क्योंकि उससे वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो हो जाता है, चिकन बीच में ही चला जाता है, इससे फील ही नहीं होता कि मतलब बीच में चिकन डला हुआ है, लेकिन जितना मर्जी डालू वो जब बीच में अच्छी तरह चॉप हो जाता है ना वो मज़े का नहीं लगता,
तो अगर हाथ से अगर आपने कूटना है तो फिर तो मैं कहूंगी कि फिर तो आप साथ कूट भी सकते हैं, फिर तो कोई इतने मसले वाली बात ना, लेकिन अगर मशीन में करनी है ना तो फिर वो मुझे वो पसंद नहीं आता। तो बस फिर आज मैंने श्रेड करके बीच में डाला, मुझे ऐसे पसंद है, बाकी अगर आपको नहीं पसंद आता तो बस फिर आप जैसे आपका दिल करे वैसे बनाएं। तो बस फिर मैंने कहा चले आज मैं ये दो चीज़ें तैयार करी थी, तो मैं क्यों ना इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और इसको बना के जो है ना वो इसमें मैं अंडे भी नहीं डालूंगी, इसमें मैं कॉर्नफ्लावर भी नहीं डालूंगी, मैं एज इट इज़ इसके बीच में स्पाइसेस डाल के इसको जो है ना वो टिक्की की शेप दे के सिंपली हाथ से तो मैं इसको जो है वो फ्रीज कर लूंगी, क्योंकि जब मैंने निकालना है मैं अंडा एक फेंटूंगी उसके साथ बच्चों को शामी वाला बर्गर बना के, शामी वाला सैंडविच बनाकर, और वैसे शामी बच्चे खा लेते हैं तो बस फिर नगेट शामी और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो घर में आजकल बनी पड़ी हो तो ही आपको आसानी होगी और आप इजीली जो है वो अपने समर वेकेशन को जो है वो स्पेंड कर सकेंगे, क्योंकि बच्चे ने जब शाम को पढ़ के आना है तो बस फिर आते साथ उन्होंने कहना हमें कुछ चाहिए, तो डेफिनेटली वो शाम का टाइम होगा, वो रात का टाइम नहीं होगा ना, तो बच्चे रोटी तो नहीं ना खाएंगे हर वक्त, तो बस फिर इस तरह की जो स्नैक्स है ना वो आपको ज़रूर घर में प्रिपेयर करके रखें। और ये यहाँ पे मैंने चिकन शर्ट करके डाल दिया, इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट जो है वो और ऐड किया, थोड़ी सी ब्लैक पेपर इसमें मैंने ऐड कर दिया, पिसी हुई पाउडर जो होता है ब्लैक पेपर वो ऐड किया है, और थोड़े थोड़े से मसाले जो है वो ग्रीन चिलीज़ भी इसके बीच में थोड़ी सी मैंने ऐड कर दी है, और हरा धनिया भी, ग्रीन चिली आप स्किप भी कर सकते हैं, वैसे यहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी थी तो, लेकिन बहरहाल कोई नहीं चलेगी। तो बस जी ये थी मेरी शामी टिक्की रेसिपी, जो कि मैंने इसको इस तरह मैं इसको बेल के सिंपली मैंने ये सारी जो है ना वो फ्रीज कर लेनी है, बहुत ही मज़ेदार ये वाली शामी आपकी बनेगी, आप ज़रूर हमें ट्राई करिएगा। और इससे पहले भी मैं शामी की रेसिपी जो है वो शेयर कर चुकी हूँ, सिखा चुकी हूँ, तो आप वहाँ जाके वो भी रेसिपी देख सकते हैं, डिटेल रेसिपी है वो वहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ये मैं अब इसको फ्रीज कर लूँगी, और उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक माई चैनल एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एज मच एज़ यू कैन, और दुआ में याद रखिएगा, और सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़।